बदली में छुप गए तारे, शर्मा से गई बहारे, भीगे भीगे खुशबू फैली मस्त हवा के झोंकों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरो मेरे बाबूजी कहते हैं कि दिया को सूरज का कबो बराबरी नहीं करना चाहिए। नहीं नैना जी, हम आपके बाबूजी की बातों से सहमत नहीं हैं। सूरज का काम अगर प्रकाश फैलाना है तो दिया भी तो अंधकार नहीं फैलाता ना, वो भी तो प्रकाश ही देता है। अरे आपसे एक समस्या का समाधान होता नहीं है और चले हैं वो कवैये से पतियाने, हम बात करेंगे उससे, सब लोग इधर ही बैठे रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। शुक्रिया। अरे नीलू, जरा पानी तो लाना। कहिए कैसे आना हो? कुछ भी कहने से पहले हम आपको अपना परिचय दे दें जी। मेरा नाम पुनीत कुमार है और हम एक कैसन बात कर रहे हैं बबुआ। अरे आप जैसन बड़े कलाकार कौनों परिचय के मोहताज थोड़े होते हैं। हम आपको जानते हैं, यहाँ आने का मकसद बताइए। दरअसल आपकी ये जो बेटी नैना है। हाँ, अरे समझ के अब क्या बताएं आपको, 100 बार उसे समझाया सिखाया लेकिन नैना है ना, अरे उसमें तो बुद्धि नहीं और ना ही कोई सहूर है। जरूर कोई गलती की होगी हमारी बिटिया ने। हम हाथ जोड़कर अपनी बेटी की तरफ से आपसे 100 बार माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। आपकी बेटी ने कोई गलती नहीं की, ये तो बहुत ही होनहार और समझदार लड़की है। तो हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि नैना बहुत अच्छा गाती है, उसका गला बहुत अच्छा है, सुरीला है, आवाज सदी हुई है और ऐसे कलाकार तो बहुत ही कम पैदा होते हैं। इसकी प्रतिभा को आगे आने से आप रोकिए मत, सिखाइए उसको, खुलकर गाने दीजिए। उसकी प्रतिभा को घर की चार दीवारी और कामकाज के बीच में मत बांधिए। अगर उसे आपका सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा तो निश्चित एक दिन वो शोहरत के आकाश में सितारा बन के चमकेगी। क्या बताएं बबुआ, कौनों माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की रोकना थोड़े चाहते हैं। वो तो परिस्थितियां होती हैं जो बाधा बनकर सामने आ जाती हैं। हमरी नैना के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, हमरे लाख चाहने पर भी वो गाने की लाइन में आगे ना बढ़ पाई। लेकिन अब आप जैसे बड़े कलाकार ने उसकी तारीफ की है तो हम उसके बाबूजी को कहेंगे कि वो जैसे तैसे करके इको गाने की लाइन में आगे बढ़ाए, बस आगे बढ़ाए। अगर आप लोग चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत उपकार है जो आप हमारी बेटी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। जब किसी में कला होती है
तो उस कला को आगे बढ़ाने के लिए इंसान को जरूर मदद करनी चाहिए। इसी नाते इसे रखिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम पटना के स्टूडियो में नैना की रिकॉर्डिंग करवा देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि रिकॉर्डिंग के बाद नैना को जीवन में नाम, काम और दाम तीनों की कमी नहीं रहेगी। अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, सच मानिए, नैना को जिंदगी में कभी वापस मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे अरे, आप झूठ काहे कहेंगे? हाँ हे राम, आपने तो अभी तक पानी भी नहीं पिया, लीजिए ना। आज्ञा दीजिए। अरे अरे बबुआ जी, आज्ञा मांगकर आप हमें पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? ये आप ही का घर है, जब चाहे आइए, जब चाहे जाइए, हमें तो अच्छा ही लगेगा, जैसे आज लग रहा है। ये तो आपका बड़कपन है। अच्छा पुनीत बाबू जी, बताशे, सरस्वती पुत्री के हाथों दिए प्रसाद को ठुकराना पाप होगा। पूरा प्रसाद लेकर जा रहा हूं। अच्छा फिर आइएगा। जी जरूर। अपने गाने की सिफारिश कराई ना तो ओकी तो इज्जत हम उतार ही देंगे, साथ ही खड़े खड़े तोहरी इज्जत भी वहां उतार देंगे, समझी? इंसान की प्रतिभा इंसान को सफलता और यश के आसमान का ध्रुव तारा बनाता है। बेटा यहाँ आकर उन्होंने हम पर एहसान किया, हमारी आंख खोल के। छोकरा ये मलेच्छिन के पट्टी पढ़ाने पर हमको सिखाने खातिर आया था। हम
को और बीना को जो लोग के चरावे दिल्ली और के चरावे घर की बिल्ली। ये लड़की इतनी बेशर्म निकलेगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे गवैया बनने खातिर गैर मर्द को घर के द्वार तक लेकर आ गई। और ये मर्दाना कुलच्छनी के लक्षण कान बहिर और पीठ गहर करके सुन रहा है। अरे मर्दाना, अरे मुंह छुपा के कहां बैठे हो? अरे देखो देखो अपनी लाडली के लक्षण। बहुत नाज है ना अपनी बेटी पर। जब इसका रहन सहन गाज बन के माथे पे गिरेगा ना, अरे तब पता चलेगा। हाँ ऐसा क्या कर दिया हमारी बेटी ने कि पूरा घर सर पे उठा रखी हो? तब से बड़बड़ किए चली जा रही। अच्छा तो अब हमारी बात बड़बड़ लगने लगी। अरे हम दुनियादारी की बात कर रहे हैं तो देह में आग लग रही। जब कुल का नाम कुल की इज्जत मट्टी में मिला देगी ना आपकी लाडली, तो चिता पे भी बैठ जाइएगा तो जल नहीं पाइएगा। इसीलिए कहते हैं कोई लड़का देखकर शादी ब्याह करके विदा कर दीजिए इस कलमुही को। वीना, हमको मालूम है बेटी पराया धन होती है। राजा महाराजा तक उसको अपने पास नहीं रख पाते तो हमारी क्या औकात? अरे जब शादी की बात होगी तो शादी कर देंगे उसकी। अभी ऐसा क्या कर दिया उसने जो शादी के बाद उठाई हुई? अरे इसलिए उठा रहे हैं कि कल को मुंह पे का लिखना लगे। आपको तो कछु दिखाई देता नहीं, आंखों पे पट्टी जो बांध रखी है, पर हमें सब दिखता है। इसलिए कहती हूँ चलता करो इसे घर से। काम काज में 22.5, घर का एक काम कह दो तो 50 खड़ा पानी गिर जाता है तन पे और लोगों के सामने पतुरिया की तरह नाचेगी गाएगी। होश में हो तुम, क्या बोल रही हो वीणा? होश में ही कह रहे हैं, आप पर बेहोशी छाई है। इसीलिए कहते हैं इको यहाँ से चलता करो वरना पछताओगे। और आज के बाद पौनो आदमी इसकी पैरवी लेकर हमारे द्वार पे आया ना तो बताएंगे हम। हाँ नीलू, नीला देख तो नैना कहाँ गई, जल्दी देख। जाना कहाँ है? अरे छत पे बैठी होगी, टेसुए बहा रही होगी। जाइए जाइए, आप बाप बेटी वहां बैठ के छिछलोली लूटिए। हाँ जाइए, गवैया बनने खातिर क्या मर्द को घर के द्वार तक लेकर आ गई। बहुत नाच है ना अपनी बेटी पर। जब इसका रहन सहन गाज बन के माथे पे गिरेगा ना, अरे तब पता चलेगा। हाँ जब कुल का नाम कुल की इज्जत मट्टी में मिला देगी ना आपकी लाडली, तो चिता पे भी बैठ जाइएगा तो चल नहीं पाइएगा। तुम्हारी वेदना हम महसूस कर सकते हैं बेटा, भरोसा उस सर्वशक्तिमान पे, हमें विश्वास है। हाँ बाबूजी, आप हम पर अपना विश्वास बना कर रखिएगा। बाबूजी हम कोई गलत काम नहीं किए, हम नहीं जानते थे बाबूजी, हम नहीं जानते थे कि पुरित बाबू घर आ जाएंगे और माँ से हमारे गाने का बात करेंगे। बाबूजी अगर हमको थोड़ा भी मालूम होता ना तो हम। हाँ बेटा, हम जानते हैं अपने अंश को, हम जानते हैं कि न वो खोटा है न कभी खोटा होगा। रही बात पुनीत बाबू की, तो जो अच्छा है वो अच्छा है। हीरे की परख तो जौहरी जाता है, अगर उन्होंने परखा है तुम्हारे गुण को और उसे निखारने की बात कह रहे हैं तो गलत क्या है? इंसान की प्रतिभा इंसान को सफलता और यश के आसमान का ध्रुव तारा बनाता है बेटा। यहाँ आकर उन्होंने हम पर एहसान किया हमारी आंख खोल के, तो हमारा दुर्भाग्य है
कि तुम्हारी इस प्रतिभा को जानकर भी गरीबी और मजबूरी के बेड़ी के कारण कुछ नहीं कर सके। अपने लाचार और बेबस बाप को माफ कर दे। नहीं बाबूजी, माफ कर दे बाबू। बाबूजी अब क्या कर रहे हैं बाबूजी? नहीं बाबूजी, बाबूजी आप तो हमारे लिए इतना सोचते हैं, ये का कम बड़ा बात है, और वहीं से भी गलती तो हमारा ही था। माँ तो ठीक कही है हमको, हम तो वहाँ काम करने जाते हैं, गाना गाने थोड़े ही न जाते हैं, ना हम पुरोहित बाबू के सामने गाना गाते, ना वो हमसे हमारे घर का पता मांगते, ना घर आते, ना सब बखेड़ा खड़ा होता। बाबू जी हमारे कारण आपको माँ से कितना कुछ सुनना पड़ता है, और सब गलती हम की है, फिर भी आप हमसे माफी मांग रहे हैं। अरे भैया जी, नाराज बाबू क्या बात है, परेशान है क्या? अरे नहीं, परेशानी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। घर ही तो जाना है राज बाबू, इतनी भी जल्दी क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ भाई साहब, पुनीत भैया कहीं गए हों और मुझे खबर नहीं, मुझे उनके पल पल की खबर रहती, लेकिन पता नहीं आज कहाँ चले गए। आप घबराइए नहीं राजबाबू, वो आ जाएंगे, घूमने गए हैं, मन किया होगा सिनेमा देखने का तो सिनेमा देखने बैठ गए होंगे। वैसे सारा शहर ये जानता है कि पुनीत बाबू हमारे मेहमान हैं, समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मुझे पता तो लगे ना वो कहाँ गए। लो आ गए। कहाँ चले गए थे आप, हैं? कहाँ चले गए थे आप, हम कितना परेशान हो गए। देखिए पुनीत बाबू, ये पटना नहीं लालगंज है, आप तो जानते हैं। अरे आप लोग तो खामोखा घबरा गए। अरे हम आपके सेक्रेटरी हैं, कम से कम हमको तो पता होना चाहिए कि आप कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। ये बात तो है। अरे वो बात ठीक है, माताजी का फोन आया था 4 बार। अच्छा क्या कहा माने? कुछ नहीं, आपसे बात करने को कह रही थी।